मकर संक्रांति के तहत तमाम जगहों पर भोज का आयोजन है। राबड़ी देवी के आवास पर भी भोज का आयोजन हुआ और मंत्री रत्नेश सदा जी के आवास पर भी हुआ है। तमाम जेडीयू के नेता पहुंचे। सर, आज मकर संक्रांति है, क्या कहेंगे मकर संक्रांति? मकर संक्रांति पर ढेर सारी सभी पूरे बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पार्टी के नेता माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी के दही चूड़ा भोज के आयोजन पर उन्होंने शिरकत किया और यहाँ सभी लोग से, पार्टी के वर्कर से, पार्टी के कार्यकर्ता से, पार्टी के नेता से, सब लोग से मिले हैं, सब लोग को शुभकामना दी। आज जो है ये क्या कहेंगे सर, आने वाले समय में फिर अब कर्पूरी जी की जयंती भी है, ये बड़ा भोज है, फिर उसके बारे में बड़ा कार्यक्रम आप लोग लगातार कर, बड़ा कार्यक्रम। बिल्कुल, आज जानना है कि हम लोग जो पार्टी के जो विचारधारा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, गांधी, जेपी लोहिया की विचारधारा पर हमारी पार्टी की विचारधारा चल रही है और उसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर के इस साल का जो है 24 जनवरी बेहद खास है क्योंकि उनका 100वीं जयंती है और वो भी जयंती ऐसे अवसर पर ऐसे समय में होने जा रहा है जब हम चुनाव के 24 के चुनाव के रणभूमि में कूदने से पहले इस कार्यक्रम का, हमारी पार्टी का बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है। तो बिल्कुल सभी पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता, सब लोग ने इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया है, अपार सफलता होगी। लेफ्ट पार्टी 5 सीटों का डिमांड करे जिसमें 3 सीट जेडीयू की सीट पर बंटवारा करने के लिए राजनीतिक जो राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर हैं उनसे सवार करेंगे। धन्यवाद। लेफ्ट तो मांग कर रही है आपकी 3 सीट मांग, आप इसके लिए नहीं बेचैन रहे, समझे, मीडिया के साथ ही इसके लिए नहीं बेचैन रहे। निश्चित रूप से जब हमारे घटक दल के नेता जब आपस में बंटवा कर लेंगे तो आप लोग को विरिफ कर देंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीट को लेकर जो भी चर्चाएं मीडिया में चल रही है उन पर विराम लगेगा और केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सीटों के फॉर्मूलों को लेकर सभी के सामने लाने का काम करेगा। कर्नल फिरोज के साथ अनिश कुमार, कशिश, पटना।